हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें गर्मियों में ज़्यादा पसीना क्यों आता है और गैस सिलेंडर के निचले यानी बॉटम एरिया में छेद क्यों होता है? आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने एरियन हैंड सिंड्रोम नाम की बीमारी के बारे में सुना है? यह एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जिसमें पेशेंट का एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता, मतलब कि आपका एक हाथ वो सब करेगा जो आप नहीं चाहते। कभी कभी इस डिजीज़ से जूझ रहा पेशेंट अपने आप को ही चाटा मारने लगता है और किसी किसी का तो एक पैर भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता। सोचो कि यह कितना खतरनाक डिजीज़ है जिसमें इंसान का अपना हाथ ही ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसमें अलग से एक आत्मा आ गई हो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है राजस्थान के माउंट आबू में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम अचलेश्वर महादेव है? और आप जानते हैं इस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जो दिन में 3 बार अपने कलर को चेंज करता है। ये सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये ट्रू है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस शिवलिंग का कलर मॉर्निंग में लाल, दोपहर में केसरिया और शाम के समय कलर गेहुआ होता है। तो कैसा लगा आपको यह फैक्ट? वैसे महादेव के नाम पर तो एक लाइक बनता है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दें। फैक्ट नंबर 11, आप फरारी कंपनी को सिर्फ लग्जरी कार्स के लिए ही जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है फरारी ने वर्ल्ड की सबसे थिनेस्ट मैकेनिकल वॉच बनाई है? और फरारी ने इस वॉच को बनाने के लिए स्विस वॉच मेकर रिचर्ड मिले कंपनी के साथ कोलाबरेट किया है और इस वॉच का नाम RM UP01 है और यह सिर्फ 1.75 mm थिक है और इस वॉच को बनाने में 6000 आवर्स से भी ज़्यादा का वक्त लगा है और इस वॉच को बनाने में ज़्यादातर टाइटेनियम का यूज़ किया गया है और इस वॉच की प्राइस 1.9 मिलियन यूएस डॉलर है, यानी इंडियन रुपीस में करीब इस वॉच की प्राइस 15 करोड़ से भी ज़्यादा। फैक्ट नंबर 10, आपने अक्सर जींस की जिप पर YKK लिखा देखा होगा। क्या आप जानते हैं YKK का पूरा नाम योशिदा कोग्यो काबुशिकी गाइसा है, जो कि एक जापानीज कंपनी है और यह कंपनी एक दिन में करीब 70 लाख जिप बनाती है और इस कंपनी की शुरुआत 1934 में हुई थी और इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लांट अमेरिका के जॉर्जिया में है। फैक्ट नंबर 9, अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस पिलो यानी तकिए को देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव पिलो है जिसकी प्राइस 45 लाख है। इसकी प्राइस सुनकर अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि यह कोई मामूली पिलो नहीं है। इस पिलो को बनाने के लिए इजिप्शियन कॉटन और मलबरी सिल्क का यूज़ किया गया है और इस तकिए के अंदर नॉन टॉक्सिक डच मेमोरी फॉर्म भरा गया है और इस तकिए पर 25 कैरेट गोल्ड डायमंड के साथ सैफायर यानी नीलम जड़े हुए हैं और इस तकिए को बनाने में मिस्टर थिज वैंडर हिस्ट को 15 साल का वक्त लगा है। फैक्ट नंबर 8, आपने फ़ोन कैमरा में HDR मोड का यूज़ तो किया ही होगा। क्या आप जानते हैं HDR का पूरा नाम हाई डायनेमिक रेंज है, जिसकी हेल्प से आप लो लाइट और तेज लाइट में भी एक अच्छी इमेज को क्लिक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे केकड़े यानी क्रैब की खोज की है जिसके बॉडी पर लंबे लंबे बाल हैं और इस केकड़े का नाम वैज्ञानिकों ने लेमेरिक्ड्रोमिया बीगल रखा है। इसके पीठ पर एक मोटा स्पॉन्ज भी है जो कि केकड़े के बॉडी से डिफरेंट कलर का है। तो कैसा लगा आपको यह फैक्ट, कमेंट में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है आप जो भी ब्रांड के पाउडर को अपने बॉडी पर लगाते हैं जिसमें से अच्छी खुशबू आती है, उसे बहुत से एडवर्टाइजमेंट में टैल्कम पाउडर भी कहा जाता है। आपने सोचा है आखिर इन पाउडरों को टैल्कम पाउडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे टैल्क नाम के पत्थर से बना जाता है, इसलिए इसे टैल्कम पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, अभी हाल ही में एक नए शोध से पता चला है कि वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल फेस एम्बर हर्ड का है और खूबसूरती को मेज़र करने के लिए ब्यूटीफी गोल्डन रेशियो का यूज़ किया गया है और गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग एम्बर हर्ड का फेस 91.85% एक्यूरेट है। वैसे आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। फैक्ट नंबर 4, बहुत से बर्ड्स अपना घोंसला ज़मीन से बहुत ऊपर पेड़ों पर बनाते हैं ताकि वो खुद और अपने बच्चों और अंडों को सेफ रख सकें, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं रह पाते क्योंकि सांप जैसे रेंगने वाले जीव उनको खा जाते हैं। लेकिन नेचर में एक ऐसा बर्ड है जिसका नाम एंथोस्कोपस मिनिटस है
जो अपने घोंसले को अलग तरीके से बनाता है, मतलब कि वो अपने घोंसले में दो एंट्रेंस बनाता है। इस घोंसले में घुसने के लिए एक रास्ता बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। अगर कभी सांप आता है तो वो बड़े रास्ते का ही चुनाव करेगा जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलेगा, और चिड़िया अपने लिए छोटा रास्ता बनाती है एंट्रेंस के लिए जहाँ पर वो अपने फैमिली को सेफ रखती है। कुछ भी कहो, इस बर्ड के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में नए नए इनोवेशन करता रहता है, और अभी हाल ही में इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम कैमरोटेक है, और इस कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो दीवार के दूसरी तरफ भी देख सकता है, और इस डिवाइस का नाम जेवर 1000 है, और इस डिवाइस में 10.1 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है जिसके थ्रू रूम के अंदर कौन कौन है वो इस डिस्प्ले के थ्रू पता चल जाएगा, और इस डिवाइस का यूज़ इसराइल की मिलिट्री अपने दुश्मनों और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए करेगी। फैक्ट नंबर 2, आप सबके घर में गैस सिलेंडर तो होगा ही, क्या आपने गैस सिलेंडर में एक चीज़ नोटिस की है कि उसके निचले भाग में छेद होता है, और ये छेद यूं ही 100 पीस के लिए नहीं बनाया गया है। इसका बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि जिस वक्त हम गैस सिलेंडर का यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त गैस सिलेंडर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है, लेकिन इस छेद की वजह से सिलेंडर के नीचे फ्रेश एयर आती जाती रहती है जिससे सिलेंडर का बॉटम कूल रहता है, और अगर ये छेद ना हो तो हवा सिलेंडर के रिंग में फंस सकती है जिससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और इस छेद के होने से एक और भी फ़ायदा है, घर के सफाई के दौरान इसमें पानी के फंसने का कोई ख़तरा नहीं रहता, क्योंकि पानी आयरन का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर पानी इसके निचले भाग में फंस गया तो सिलेंडर में रस्ट भी लग सकती है जिसके कारण सिलेंडर में लीकेज भी हो सकती है। आई होप कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गैस सिलेंडर में ये छेद कितना बड़ा रोल प्ले करता। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना यानी कि स्वेट आता है, और जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन स्वेट का आना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समर के सीज़न में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से हाई होता है तब टेम्परेचर को कंट्रोल यानी कि मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी स्वेट करती है, और ये स्वेट हमें हीट स्ट्रोक से भी बचाती है, और स्वेट के साथ साथ हमारी बॉडी से विषैले पदार्थ भी निकल जाते हैं। और क्या आप जानते हैं, स्वेट यानी कि पसीना हमें बेहोश होने से भी बचाता है, मतलब कि जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो उस वक्त हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है, और आपने देखा भी होगा कि उस वक्त हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेट को रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये थे कुछ पसीने निकलने के फ़ायदे, लेकिन पसीना का निकलना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। मान लो कोई पर्सन नॉर्मल टेम्परेचर रूम में बैठा है और कुछ ऐसा काम नहीं करा जिससे कि उसे स्वेट हो, लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको बिना देरी किए किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आई होप कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।